नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, किसानों में एक पॉपुलर किस्म है जो कि हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हरदा खंडवा तरफ भी इस किस्म को कुछ कुछ किसान बहुत मानते हैं, PDM 139 माने कि सम्राट। पर भाई साहब, एक किस्म और है इसके अलावा जो कि किसानों के मुंह पे छाई हुई है। मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ, मतलब किसानों के ग्रुप में, वहाँ पे आए दिन इसी मूंग के बारे में चर्चा चलती रहती है। और मूंग का नाम तो मैंने टाइटल में दे दिया है, तलवार कट मूंग। भाई साहब, इसी मूंग के वीडियो को बनाने के लिए मैंने तलवार के जैसी मूंछ रखी हुई थी यहाँ तक की, पर कुछ कारण बस मैं लेट हो गया और मुझे बाहर भी जाना था, तो मैंने वो अजीब सी जो तलवार जैसी मूंछ थी उसे कटाना पड़ा। भाई साहब, हम चर्चा करेंगे तलवार कट मूंग के बारे में। वैसे तो मैं बता दूं कि PDM 139 जो हमारी मूंग है, इस मूंग से लगभग 15 से 20 दिन आगे, मतलब कि लेट वैरायटी में ये मूंग आती है, तलवार कट मूंग। और PDM 139 जो मूंग है, इसी से हमें एक या दो पानी ज़्यादा तलवार कट मूंग में देना पड़ता है। तो अगर आप जल्दी मूंग की बुआई करना चाहते हैं, यानी कि मार्च की स्टार्टिंग से लेकर 10 अप्रैल तक भी आप मूंग की बुआई करना चाहते हैं और आपके पास 5 पानी देने की अपने खेत में व्यवस्था है, आप 5 पानी दे सकते हैं या कम से कम 4 पानी भी आप खेत में दे सकते हैं मूंग की फसल में, तो आप तलवार कट मूंग जरूर लगाइए। भाई साहब, इस मूंग का उत्पादन 8 से 9 क्विंटल पर एकड़ तक मरी से मरी कंडीशन में भी है। भाई साहब, पिछले साल हमारे एक पड़ोसी ने ये मूंग लगाई हुई थी, मैं उन पड़ोसी की चर्चा भी इसी वीडियो में आपसे करवा दूंगा, जो पड़ोसी किसान है उनकी, उन्होंने ये मूंग लगाई थी। तो उनका जो बटियादार था, उसने बताया कि यार हमारी मूंग ने तो 9 का उत्पादन दिया है। मैंने कहा भैया ऐसी कौन सी मूंग थी, तो वो थी तलवार कट मूंग। मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुना देता हूँ। आप तो भाई साहब, ये दो लोग आ रहे थे, जो इसमें से एक है अपने चमन भाई और एक है, क्या नाम है तेरा? अनिल भाई। तो ये दोनों भाई आ रहे हैं, क्यों अपने यहाँ कोई ने तलवार मूंग लगाई है, बाको एवरेज कहा लगो? 8। पक्को? तुमने कहा देख के आए? देख के नहीं, घर ही रखे ही बात है। तुमने घर? सही बात है यार भाई। अरे यार काट के ला। एक मिनट रुक, तो में कितनी दवाई डाली थी तुमने, टॉनिक वाले कीटनाशक वगैरह कितने डाले थे? तेरे घर रखी, तुम्हारे ही घर, तो तुम्हें नहीं मालूम दवाई? तीन दवाई डाली और पानी कितने दिए हुए? दो। और आठ के एवरेज से चारों, वो खेत देखो तो तुमने, चारों बारो है वहाँ? मतलब भैया 4 से अंतर पड़ता है मूंग के उत्पादन में, और मूंग का बीज भी अच्छा होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे थे कि अपने खेत के ही बारे में, तो अपन वही बात करते हैं। और भाई साहब, ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका नाम था भाई साहब आदित्य प्रकाश जी ने पिछले साल जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि भाई साहब मेरे एक परिचित हैं मध्य प्रदेश से, गया प्रसाद खेरे जी साहब, उन्होंने इस मूंग को बड़े पैमाने पर लगाया था अपने खेत में, यानी कि तलवार कट मूंग को। तो आपकी पिछली वीडियो जो आपने श्रीराम कंपनी के बीज के बारे में बनाई थी और जिसे मैंने देखा था, उसके बाद उनसे मेरी बात हुई, कौन से, गया प्रसाद जी खेरे जी से ये सज्जन की बात हुई अपने आदित्य प्रकाश जी की। तो उन्होंने तलवार कट नाम से एक प्रजाति बताई और कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने ये प्रजाति लगाई थी थोड़े से क्षेत्र में, उसका उत्पादन अच्छा आया, तो इस वर्ष उन्होंने इस मूंग का रकबा बढ़ाया है और बढ़ाकर लगभग 30 से 35 एकड़ के क्षेत्र में इस मूंग की प्रजाति को लगाया है। तो आप चाहें तो आप तलवार कट मूंग के बारे में भी हमें बता सकते हैं। तो भाई साहब, पिछले साल तो मुझे इसकी जानकारी थी नहीं और मेरे पड़ोसी किसान ने लगाई थी, उसके बाद भी मैं उनसे नहीं पूछ पाया कि भैया आपने ये कौन सी मूंग लगाई है। हालांकि अब मुझे इस मूंग की जानकारी थोड़ी थोड़ी है, तो मैंने इसी बात पर चर्चा करी थी गया प्रसाद जी खेरे जी से, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये मूंग जो है तलवार कट मूंग,
ये मूंग को बनाया गया है हम 10 या हम 12 जो मूंग की किस्म है उस पर से प्राइवेट कंपनी ने इस मूंग को बनाया है, इसलिए प्राइवेट कंपनी ने इस मूंग का नाम अपने नाम पर तलवार कट पे रख दिया है। ये ग्रुप में इन्होंने बताया था, किसान भाई किसान परिवार ग्रुप है, एक बहुत बढ़िया ग्रुप है इस ग्रुप में। तो इसमें एक पूनम राजपूत जी हैं पिपल्लिया वाले, उन्होंने पूछा था किसी किसान भाई के पास बिजाई के लिए तलवार कुट मूंग की वेराइटी हो तो बताए जिसने पिछले वर्ष सर्टिफाइड बीज लेकर उत्पादन किया हो। तो ये सर्टिफाइड बीज पर से इन्होंने कहा हमारे गया प्रसाद जी ने कि तलवार कट किसी अनुसंधान का बीज नहीं है, प्राइवेट कंपनी ने अपने नाम कर लिया है, इसलिए ग्रेड का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कि आप किसान से लें या कंपनी से लें इसमें ग्रेड का औचित्य नहीं है। हाँ, किसान से ले रहे हैं तो बीज थोड़ा अच्छा हो, मिक्सचर ना हो, किसान ने अच्छी तरह से उसको उत्पादन किया हो तो आप वो बीज ले सकते हैं या कंपनी से भी ले सकते हैं। भाई साहब कंपनी का मुझे अभी पता नहीं है कि किस कंपनी ने तलवार कट मूंग को बनाया हुआ है या बेच रही है उस नाम से। तो अगर मैं इस बीज को लाऊंगा या मुझे दुकान पे कहीं दिखेगा तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। भाई साहब इस मूंग के बारे में हम और ज़्यादा अधिक बात करें तो इस पौधा, इसका जो पौधा है वो फैलाव ज़्यादा करता है, ब्रांचेस ज़्यादा निकालता है, तो इसे 9 या 12 इंच पर बोना ही अच्छा रहेगा, कतार से कतार में बोना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यह संघन हो जाएगा तो ठीक तरह से बन नहीं पाएगा। तो जैसे हम मान लो 10 या 12 किलो एकड़ पे मूंग की बुआई करते हैं तो तलवार कट मूंग को हम 8 किलो एकड़ पे भी बोएंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से अपने पौधे बना लेगी। इसके पत्ते बड़े हैं और इसकी फलियां जो हैं ये हर एक ब्रांच में आती है और लगभग 5 से 6 फलियां आती है और बड़े दाने की ये मूंग है। इसका दाना बड़ा है, हालांकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, थोड़ा मोट से थोड़ा छोटा है, मध्यम आकार कह सकते हैं। दानों में वजन बहुत बढ़िया है, इसका चमक थोड़ी सी कम चमक है इसकी, हालांकि ग्रीननेस लिए हुए है मगर वो जो डार्क ग्रीन है वो ऐसा लगता है हल्का सा थोड़े दिन के बाद जैसे कि मूंग धुल गई होगी। भाई साहब ये मैंने अपनी आँख से अपने पड़ोसी किसान की मूंग देखी थी इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, बाकी मूंग अच्छा है, वजन भी इसमें बहुत बढ़िया है। भाई साहब दिन जो मूंग के जो दिन है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि लगभग 75 से 80 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है और रोग भी इस किस्म में कम से कम आते हैं। हाँ ये है कि आपको पानी इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा और वहाँ से चल के मूंग बहुत बढ़िया है। अब मैं आपकी चर्चा उन किसानों से करवा देता हूँ जिन्होंने इस मूंग को लगाई हुई है। तो भाई साहब मेरे साथ है संजीव भाई, ये वही पड़ोसी किसान है जो मेरे बगल में इनने मूंग लगाई थी और मैंने कटाई के बाद तक मूंग देखी नहीं थी, तलवार कट मूंग इनने लगाई थी और मैंने वो छोटे से पिछले साल के वीडियो में बताया था, इनने 8 का एवरेज लिया था। तो संजीव भाई वो जो मूंग थी तलवार कट मूंग उसका क्या नंबर अंबर कुछ मालूम आपको? उसका नंबर अभी मैंने पता किया था जिससे हमने लेके आए थे, ये मूंग हमने हरसूद छनेरा से लाए थे और इसका नंबर है 444 444। तो ये तो 444 तो वो स्टार की भी आती है ना? वो स्टार की आती है, वैरायटी अलग अलग, मतलब ये तलवार 444 के नाम। और कितने पानी दिए थे भैया? भैया इसमें 3 पानी दिए थे, मतलब बोने के बाद 3 पानी। और दवाई? दवाई इसमें 3 दवाई मानी, 3 ही दवाई, 3 दवाई। और रोग वगैरह कुछ? रोग वगैरह तो पिछले बार तो कुछ नहीं था, बस ये है कि इसकी बोनी 8.5 किलो एकड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए ताकि इसमें थोड़ी जगह रहे और पौधा ज़्यादा ग्रोथ करे, ज़्यादा संघन बोने अच्छा में, मतलब पौधा फैलता है। हाँ, पौधा फैलता है, पत्ते बड़े होते हैं, इसका साइज फली का साइज भी लगभग अपने 4 इंच तक के लगभग तक चला जाता है। अच्छा मैंने सुना कि ये लंबे दिन की वैरायटी? नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, ये वैसे तो 60 दिन की है, 55 दिन में ये पक के कंप्लीट हो जाती है। अच्छा 55 दिन में पौधा बड़ा भी हो जाता है। हाँ। फैलाव भी कर लेता है और बाकायदा एवरेज भी दे। हाँ। देता है, रोग कम से कम रोग भी कम है। और दूसरी चीज ये मूंग का दाना जो है वो अलग चमकता है। अच्छा। दूसरी मूंग से अच्छा। हाँ। मतलब चमक भी ज्यादा, चमक भी, वजन भी ज्यादा है। और हमारे पिछले बार
हमने लगभग 32 एकड़ में ये मूंग लगाई थी, 32 एकड़ में ये मूंग लगाई थी। जिस खेत में खरपतवार नहीं होती है, उस खेत में ये मूंग लगभग 9 तक का एवरेज देती है, और जिन खेतों में खरपतवार है और उसी के बाजू में किसी दूसरे का खेत है या दूसरी वैरायटी लगी है, तो हमारे बाजू में खरपतवार थी एक खेत में हमारे में, और एक बाजू में भी उसमें भी वही कंडीशन थी। तो हमारे बाजू में तो मैं भी, हाँ तो मैं ही था कि और कोई और भी बाजू में, अच्छा और भी, तो उनका 2.5-3 का एवरेज लगा, मेरे खेत में खरपतवार होने के बाद भी मेरा 4.5-5 का एवरेज लगा। मतलब किस्म अच्छी है, किस्म इस हिसाब से किस्म बहुत अच्छी है, और अधिक से अधिक किसानों को इस किस्म को लगाना चाहिए ताकि वह अपना मुनाफा बढ़ा। अच्छा, अभी फिलहाल में ऐसा मालूम कहाँ मिल सकती है किस्म, कहाँ मिलेगी, कि किसान से ही लाना पड़ेगा? ये या तो किसान से लाना पड़ेगा, आप दुकान पे पता करें 444 कहाँ पर है। हम लोगों ने तो क्या है, वो हार्वेस्टर वाले आए थे उनसे बुलाई थी, ये हरसूद और छनेरा से बुलाई थी। अच्छा, और अब इस टाइम को मेरे पास, अभी मैंने पिछले साल ही पूरी बेच दी थी। अभी है फिलहाल में कोई किसान लेना चाहे तो आप अवेलेबल कर? नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने बेच चुका हूँ पूरी। तो भैया ये थे मेरे पड़ोसी किसान संजीव जी यादव, मैं आपको एक किसान से और रूबरू करवाने की कोशिश करूँगा, अगर मिल गए तो ऐसे ही चलते चलते। तो भाई साहब तीसरे किसान हैं ये, भैया का निकनेम मालूम है मुझे, नाम नहीं मालूम, नाम हम भैया से ही जानते हैं। प्रेम नारायण यादव। प्रेम नारायण जी यादव हैं, ये हमारे थोड़े दूर के पड़ोसी किसान हैं, हमारे 4-5 खेत आगे भैया का खेत है। भाई साहब ने भी तलवार मूंगी लगाई थी, पर मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि एक किसान ने ये बताया कि हम 10 या हम 11 की किस्म है, एक किसान ने ये बताया कि 4-4-4 से निकली हुई किस्म है ये, कोई किसान ये पक्का नहीं बता पा रहा है कि हम 10 है या 4-4-4 है, तो ये तलवार मूंग कहाँ से आई है। जो बड़े डीलर हैं, जो दुकान वाले हैं, जो मतलब कि ज़्यादा मात्रा में खाद बीज बेचते हैं, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि भैया अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कोई डीलर ही नहीं आया तलवार कट मूंग का। तो ये तलवार कट मूंग का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए तो वो बना हुआ है कि तलवार कट मूंग क्या है और कहाँ से आई है। तो भैया से भी जान, तो भैया आपने लगाई थी तलवार कट मूंग, तो क्या नया बीज लाए थे? नहीं, मैंने एक दोस्त है, हाँ वहाँ पे अपने ढाबा में, अच्छा उनसे लिए थे 2 क्विंटल। तो उसका तो फिर पानी का अपना सिस्टम वगैरह कैसा क्या था, मतलब उगने के बाद 2 पानी बस? अच्छा, उगने के बाद 2 पानी दिए थे। अच्छा, तो अपना एक रोड वाला खेत है, उसमें 5-7 साल से 2.5-3 क्विंटल से ज़्यादा नहीं हो रही थी। हाँ, तो बड़े भाई बोले यार इसको छोड़ देते हैं, इस साल पिलाऊ करा देंगे। हाँ, तो मैंने कहा यार भैया इस साल अच्छा पंजे तलवार लेके आए, इसको लगा के देखते हैं। हाँ, तो मैंने उसी खेत से शुरुआत की थी। हाँ भैया, उसमें तो 8-9 के समथिंग एवरेज आया तलवार का। तो दाना कैसा था, मध्यम की बारीक दाना? छोटे दाना है, बारीक की। हाँ, छोटा दाना है, बड़ा दाना नहीं। और पत्ते कैसे थे भैया मूंग के? पत्ता बड़े थे थोड़ा, पत्ते बड़े थे। हाँ, पत्ते और लगभग उगाने को पानी मिला के 3 पानी में कम्प्लीट। वो गुरु जी जो समझो, आप जब फूल पे आती ना तो उसमें जो समझो कि पत्ते तो कम दिखते हैं और फूल से पूरे पीले पीले हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पीलापन आ जाता है पूरे पौधों पे। हाँ, और इतने फल लगते हैं कि हाँ, मैं कुछ बता नहीं सकता। तो अब वो रोड वाला खेत था, तो वहीं से सब लोग निकल के जा रहे थे, तो उनने सभी ने देखा कि यार उसमें फल कितने। तो अपने और भी खेत में थी, तो मैंने उसको रोक लिया था। तो सारे जितने आजू बाजू किसान सबको मैंने, कोई को 2 क्विंटल, कोई को 4 क्विंटल, कोई को 50 किलो बीज दे, मतलब पूरा बीज, मतलब अब आपके पास नहीं है, आपके लिए तो है। हाँ, 7-1 क्विंटल रखा है मेरे पास। चलो ठीक है, हमें नहीं मिला भैया मार्केट में, तो हम भी आपसे लेंगे। और एक बात और पूछ रहा था, अच्छा लोग बाग कितने, ये लेट वेराइटी है? नहीं, उसमें यदि समय समय की पानी यदि उगने के बाद दो करे अपन ने, मान लो एक पानी उगने के बाद में 20-22 दिन बाद दे दो, और एक बोई 20-22 दिन बाद फिर दे दो। अच्छा, तो वो इस मूंग से 5-1 दिन का अंतर समझ आता है मेरे को बस। यदि 10 तारीख अप्रैल तक बोआ जाती है तो कोई अंतर नहीं है। हाँ, और थोड़ी से अपन 15-16 आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 5-7 दिन का अंतर का
आता है। अच्छा सम्राट मूंग लगाई आपने? हाँ सम्राट भी लगाया। सम्राट में और इसमें अंतर समझ में आया? सम्राट वो 55 दिन के आसपास आई जाती है, पर इसको 2 महीने पूरे पूरे लगते हैं। पूरे पूरे मतलब ये थोड़ी सी लेट, थोड़ी सी लेट ही है, 5-7 दिन का अंतर। अपन चाहो तो ज्यादा पानी में पका लो या अपन चाहो तो कम में पका लो, वो अपने हाथ में। मैंने बाकी इधर पे थोड़ी सी लेट हो गई थी मेरी, तो मैंने उसको थोड़ी जल्दी भी कटवा दी थी, फिर भी इसका एवरेज 5 से कम नहीं आया। मतलब जल्दी थोड़ी करवा दी अपन ने, फूल लगे समझ भी आ रहे थे कौन से भी, पर मैंने कि यार मौसम गड़बड़ हो सकता है, तो मैंने थोड़ी जल्दी कटवा दी, फिर भी उसका 5 का एवरेज आ गया। मूंग तो अच्छी है, वो मेरे को भी ये ही नहीं समझ आ रही है कि वो किस्म कौन सी है। हाँ, अपन ने भी थोड़ी सी मिक्स तो हो गई है, अपन ने भी किसान से लिए थे, तो मेरी भी इच्छा ये है कि 10-50 किलो कहीं यदि वो मिल जाए गुरुजी, तो अपन भी नया बीज बनाएंगे। नहीं वो बोई भ्रम है, अब कुछ किसानों की सुन के हम डर रहे हैं, भाई भाई अपन क्या सम्राट बोते हैं अच्छी हो जाती किस्मत से, अब अपन जे लगाते हैं और मान लो ज्यादा पानी मांगने लगे तो अपन उधर धान में लेट हो। नहीं पानी आने तो नहीं लग मांगता, मतलब पानी 2 ही मांगेगी बस, उगने के बाद 2 पानी बस बराबर। और अच्छा एवरेज अच्छा है पर उसका, मैं कहता रहूं जो रोड वाले खेत में तो मतलब 9 के समथिंग पहुंच गया था एवरेज, पर अपन ने ज्यादा कोई से बोले नहीं कि इतना एवरेज उतना एवरेज, वो तो लोगों ने जब देख के गए थे कि यार उसमें कितने फल लगे हैं कितनी क्या निकलेगी, तो फिर मैंने कि यार ये सब किसानों को दे दो। अच्छा और कुछ मूंग वाले किसानों के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप मूंग के प्रबंधन? मैं तो ये प्रबंधन नहीं, मैं तो यही चाह रहा गुरु जी की इसके खोज आप कर लो, तो मेरे लिए भी 1-2 क्विंटल बुलवाना फिर इसको। चलो ठीक है मैं तो भाई साहब ये लास्ट वीडियो नहीं था, मैं तलवार कट मूंग के बारे में लगा हुआ हूँ, और तलवार कट मूंग को मैं दुकान पे कहाँ किस नाम से किस किस कंपनी बना रही है क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे शेयर कीजिएगा, और भाई साहब नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज्ञा चाहूँगा, जय राम जी की।